Namaskar, this is Kanishk Chaudhary, certified yoga and fitness expert. So guys, aisi different meal, breakfast meal aapke liye main leke aaya hu jo aapko bahut madad karenge, jisme bahut sara protein, carbohydrates yani carbs, vitamins, minerals bharpoor aapko milenge jo aap morning mein consume karoge, khaoge, aapko pure din jaane mein aapka pura din bahut acche jayega, kyunki breakfast aapko pata hai sabse achhi jo aapki meal honi chahiye, heavy meal wo aapke ब्रेकफास्ट ही होना चाहिए गाइस. आपका कोई भी मोटिव हो, वेट लूज, फैट लूज, वेट गेन, आप योगा करते हो, जिम करते हो, आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, आप कोई भी घर की एक्टिविटी करते हो, कुछ भी करते हो, आपको ब्रेकफास्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही आपके पूरे दिन को आगे चलाता है. आप अच्छा ब्रेकफास्ट कंज्यूम करोगे, आपका पूरा दिन भी अच्छा जाएगा. सो इसके तहत हमारी पहली जो चीज है वह है आपका ओट्स. ओट्स आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स ओट्स में होते हैं जो स्लो डाइजेस्टिव होते हैं. हमें कार्बोहाइड्रेट्स वही लेने चाहिए जो स्लो होते हैं, जो हमें टाइम टाइम पे ही एनर्जी देते रहे. आपको ओट्स लेने हैं. ओट्स आप 50 ग्राम्स ओट ले सकते हो, हाफ कप ऑफ ओट्स, और जो पानी में आप बॉइल कर सकते हो उसमें और सारी चीज भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि एप्पल, बनाना, और आप रॉ वेजिटेबल्स भी उसमें ऐड कर सकते हो. सेकंड थिंग इज आर एग्स यानी अंडे. अंडे आप बॉइल ले सकते हैं. बॉइल करोगे तो आपको व्हाइट पार्ट ही लेना है. एक व्हाइट पार्ट में, एक अंडे में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इस हिसाब से आप 2, 3, 4 अंडे आप दिन में ले सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जो आपको बहुत मदद करेंगे. आपका पेट उससे भरा हुआ रहेगा और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत हेल्दी मील है. थर्ड इज आर ब्लैक कॉफी, जो आपके ब्लड प्रेशर लेवल को इंक्रीज करके रखता है, बढ़ा के रखता है. अगर आप बहुत सुस्त रहते हैं तो ब्लैक कॉफी पिए, आपको ब्लैक कॉफी बहुत मदद करेगी. इज हाई इन कैफीन, जो आपको पूरे दिन जागरूक करने में, उठाने में बहुत मदद करेगा, और एक ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी मील मानी जाती है. जिन लोगों को हाई बीपी की दिक्कत है वो कॉफी ना पिए. फोर्थ थिंग इज आर कर्ड, दही, स्कीम्ड दही, यानी आपको जो दूध जिससे आप दही जमाओगे उस दूध, वो है दूध स्कीम्ड होना चाहिए, तो अच्छी एक दही जमेगी जिसमें बहुत कम फैट भी पाया जाएगा. दही इन हाई प्रोटीन में आती है और इसमें बहुत सारी चीज और पाई जाती हैं जो एक ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी मील मानी जाती है. आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करें दही, आपको बहुत मदद करेगी. नेक्स्ट थिंग इज आर चिया सीड्स. चिया सीड्स हाई इन प्रोटीन और इसमें हाई मात्रा में फाइबर भी पाए जाते हैं, जो आपके पेट को अच्छा रखने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज आर बेरीज. आप रेस्पबेरीज ले सकते हो, ब्लैक बेरीज ले सकते हो, जिनमें हाई इन फाइबर होते हैं, जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं, और बहुत सारे फ्रूट से इनमें कम मीठा भी पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. गाइस, नेक्स्ट इज आर नट्स. आप नट्स ले सकते हो, कोई सा भी नट्स आप इसमें यूज कर सकते हो, जो एक ब्रेकफास्ट की मील के लिए बहुत आपको हेल्प करते हैं, आपके वेट लूज में भी और वेट गेन में भी. गाइस, नेक्स्ट इज आर ग्रीन टी. ग्रीन इट इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको मदद करती है वेट लूज में, फैट लूज में, और कॉफी के मुकाबले इसमें बहुत कम मात्रा में ही कैफीन पाया जाता है. गाइस, नेक्स्ट इज आर प्रोटीन शेक्स. प्रोटीन शेक्स आप हो सकता है वेज में हो, नॉन वेज में हो, वे प्रोटीन हो, एग प्रोटीन, सोय प्रोटीन, कोई सा भी आप प्रोटीन ले सकते हो. आपको प्रोटीन आपकी मसल के लिए बहुत बेनिफिट करता है. नेक्स्ट इज आर फ्रूट्स. आप फ्रूट्स ले सकते हो, एप्पल, बनाना, अनार, पाइनएप्पल, आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हो, जो आपको 80 से 130 कैलोरी आपको उसमें लगभग मिलेंगी. नेक्स्ट इज आर फ्लैक्सीड्स. फ्लैक्सीड्स इज हाई इन ओमेगा 3, जो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है और आपके इंसुलिन लेवल को भी अच्छा इंप्रूव करके रखती है. सो गाइस, ये थे मेरे ब्रेकफास्ट जो आपको बहुत मदद करेंगे. आप आज से इन्हें लीजिए. हो सकता है आप बहुत सारे ले रहे हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आप ना ले पा रहे हो इस तरीके के ब्रेकफास्ट. सो एक दो बार, 2, 3, 4 बार आप लेके देखिए मॉर्निंग में, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. आप इन्हें अल्टरनेटिव डेज भी ले सकते हैं, एक के साथ दूसरा भी ले सकते हैं. सो गाइस, ये थे मेरे ब्रेकफास्ट की मील. आई होप आप आज से लेना स्टार्ट करोगे, आपको यह वीडियो बहुत मदद करेगी. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस. थैंक यू सो मच. नमस्कार.